देन वेदांत। थैंक यू भाई, कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया? और कुत्ता कहाँ से आ गया एयरपोर्ट पर? सो हम जा रहे हैं हांगकांग, द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। ओके, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ऑन व्हाई वी आर गोइंग टू हांगकांग स्पेसिफिकली। 2021 में एक सर्वे हुआ था जिसके अकॉर्डिंग एक 3 BHK अपार्टमेंट का रेंट इन सेंट्रल हांगकांग एवरेज्ड एट $10,000, दैट्स ओवर 8 lakhs पर मंथ। एंड द फनी थिंग इज, इतना रेंट देने के बाद भी यू ओनली गेट लेस देन 1500 स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस, बीटिंग आउट NYC, सिंगापुर, लंडन, सिडनी, शंघाई, मैड्रिड एंड दुबई, मेकिंग हांगकांग द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी टू लिव इन द वर्ल्ड। एंड क्योंकि हम ऑलरेडी चीपेस्ट कर चुके हैं, इट्स टाइम टू डू द मोस्ट एक्सपेंसिव। So without wasting any time, let's get started. मैं फिर वापस बैठा हूँ मेरे फेवरेट स्पॉट पर। भाई अगर तुम कभी भी मुंबई एयरपोर्ट पर आते हो, and I happen to be here as well due to some magical coincidence, just know मैं most likely इसी स्पॉट पर बैठा हुआ मिलूंगा, सबवे के सामने वाली विंडो सीट पर। Anyways, अभी बज रहे हैं 11:02, हमारी फर्स्ट फ्लाइट का बोर्डिंग टाइम है 12 बजे। Yes, you heard that right, first flight. We have a lot of traveling in front of us. एयरपोर्ट का सबवे इतना एक्सपेंसिव है? ये मेरे को ज्यादा भूख नहीं थी, मैंने सिर्फ सैलड ऑर्डर करी। गैस करिए कितने की थी? बाहर ये कुछ 300 कुछ की आती है, थिंक 690 की पड़ी है। आई मीन है तो अच्छी खासी, बट स्टिल भाई बाहर 300 कुछ की मिलती है, मुझे पता है। बाय द वे, थैंकफुली हमारी फ्लाइट डिले नहीं हुई है अभी तक। अगर हो गई तो लग जाएगी हमारी पूरे प्लान की। भाई मैं अभी जब जयपुर से आया हूँ ना, आने की फ्लाइट जाने की फ्लाइट दोनों डिलेड, तभी मैं जल्दी से खाऊंगा। एंड लेट्स हेड टू द बोर्डिंग गेट। सो हम जा रहे हैं सिंगापुर एयरलाइन से, नेवर बीन इन इट, नो क्लू हाउ गुड और बैड दे आर। ब्रो ऑल आई नीड इज सम लेग रूम, अ USB पोर्ट एंड मे बी डोंट क्रैश। खाने का कुछ ले ले। कैसे करूं मैं, कहां से करूं, कैसे करूं? भाई वेंडिंग मशीन यूज नहीं करी कभी? अरे भाई इतने सारे ऑप्शन है, कैसे यूज करूं? भाई तुम लोग इसको मिस कर रहे थे भाई, शिमला की तरह यहाँ पे गलत स्टीरियोटाइपिंग मत कर दियो। चाइना में जाके ये नहीं बोलना भाई साहब 2 प्लेट मोमोज लगा दो। चाइना तो ठीक है। क्या चाइना तो ठीक है? अबे लोडू हांगकांग चाइना में? नहीं। हाँ ठीक है, हांगकांग चाइना में। हांगकांग भेड़ के लोड़े। भाई मेरी फट गई थी, मेरे को लगा मैं गधा हूँ क्या। एक जा रहा है, दो नहीं जा रहा, 10 जा रहा, 20 नहीं जा रहा। भाई इसके लिए तो ये सब। ओके, USB पोर्ट मिल गया, लेग रूम मिल गया, एंड आई डोंट थिंक इस फ्लाइट में उजामा है। ऑलरेडी इट्स सो मच बेटर देन VHJet। भाई बारिश में डिले नहीं हुई, वो मादचो बारिश नहीं हो रही थी उस दिन, फिर भी डिले करती थी उन्होंने। प्लेन भी बहुत डेड था, प्लेन भी डेड, खाना भी डेड, एयर होस्टेस वो टिकट था, तो फर्स्ट क्लास दिखी। हां फर्स्ट क्लास भी है सुना ब्रो, आई विश मैं फर्स्ट क्लास में जा पाता। भाई जॉन विक है वो, पता है इसके प्रीमियर पे बुलाता हूं जरा। हां पता है, बुला दो। मेरे को हमेशा उन मूवीज के प्रीमियर में बुलाते हैं जिनमें अंदर से मेरे को जाने का शौक नहीं है। जॉन विक तो चल ठीक है, जॉन विक इज प्रीटी गुड, बट मेरे को आया ट्रांसफॉर्मर्स का। ओपनहाइमर आई है, उसका नहीं आया मेरे को प्रीमियर का ऑफर। स्पाइडर वर्स आई है, उसका नहीं आया, उसके भी खरीदने पड़े मेरे को। गुड मूवी, या आई हैव हर्ड इज गुड, क्या देखने दे वो। एनिमे भी है? देवियों और सज्जनों, अब आप अपने मोबाइल फोन और टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई मैं फ्लाइट पर हाईजैक देख रहा था। लिसन, आई नो तुम सबके सब हरामी हो, आई नो तुम क्या सोच रहे हो, मेरे कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, ऑल्दो दैट वुड बी फकिंग ग्रेट टाइटल, आई हाईजैक्ड अ प्लेन। ना ब्रो, जोक्स असाइड, दैट वेब सीरीज भाई बहुत बढ़िया है, इट्स करंटली नंबर 1 ऑन Apple TV राइट नाउ। लास्ट 12 मंथ्स में सबसे बढ़िया सीरीज Apple TV पे आई है, सेवरेंस, ब्लैकबर्ड एंड अब हाईजैक। सो इफ यू गेट टाइम डू वॉच इट, एंड मेरे को बताना मेरे रिकमेंडेशन सही थे क्या।
सो वी आर एट सिंगापुर एयरपोर्ट, अपेरेंटली द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। भाई इस एयरपोर्ट पर सिनेमा है, अगर ओपेनहाइमर रिलीज हो चुकी होती ना अभी तक, अपन देख सकते थे। हमारा ले ओवर 4-5 घंटे का है यहाँ पे। हम बाहर भी देख सकते हैं, स्पाइडर वर्स वापस देख सकते हैं, मिशन इम्पॉसिबल देख सकते हैं। आई मीन ऑप्शंस तो है और हमारे पास टाइम भी है। देयर इज आल्सो एन इंडोर बटरफ्लाई गार्डन हियर व्हिच साउंड्स लाइक माय फकिंग नाइटमेयर। भाई मेरी फटती है इंसेक्ट्स से। तू घुस सकता है ऐसे? HSBC Rain Vertex Jewel Centerpiece Attraction is the world's tallest indoor waterfall. To get to Jewel, take the complimentary airport shuttle to Terminal 2. बैठने की जगह नहीं है भाई, इमेजिन अंडरवेलमिंग होता है बहुत। इट्स जस्ट वाटर भाई, नींद और आ रही है यार। पूरी फ्लाइट में नहीं सोया अपन, 5 घंटे की फ्लाइट में। लावा बाइट्स, ब्रेड्स, एस्प्रेसो लाटे ना। किधर है वो पानी, किधर है? वेयर इज वाटर? सॉरी, वाटरफॉल। ओके, सो ज्वेल के लिए तो हमको इमिग्रेशन क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि हम कतई नहीं कर रहे। बट T3 जहाँ से अपन आए हैं, T3 में सिनेमा है जो कि फ्री सिनेमा है, वो विजिट कर सकते हैं। एंड बटरफ्लाई गार्डन, वो भी T3 में ही है। यहाँ के सिनेमा में भी लोग मेकआउट वगैरह करते होंगे क्या? लोग ज़्यादातर सुबह के शो में करते, जो सस्ता वाला होता है ना, सुबह के में या रात के 12 बजे के बाद वाले में। लाउंज, मूवी थिएटर, ये रहा। What the fuck is पाउडर रूम? I thought यहाँ पे ड्रग्स अलाउड नहीं है। बटरफ्लाई गार्डन, ये रहा प्ले एरिया। देखो बच्चे देखना। That was very quick bro। भाई मेरी गांड फट रही है। She doesn't know मेरी गांड फट रही है। Nah bro, I don't like this। अरे यार। Nah, I'm out. मेरे बाल पे कोई आया क्या? She's laughing at me, bro. यहीं से एग्जिट कर सकते हैं ना, आई थिंक। अरे यार खुल जाना यहाँ से। Okay, well, that was traumatizing. I think movie देख लेते हैं कोई। Free screenings all day, all night. कौन सी movie चल रही है यार? जुमांजी चल रही है यार। बैठे हैं लोग, छोड़, जुमांजी ही देख रहा हूँ। ओके, सो अभी हम बैठे हैं सिंगापुर स्ट्रीट फूड सेक्शन में। ब्रो आई वुड लव टू ट्राई सिंगापुर स्ट्रीट फूड, बट मेरे को जेन्युइनली बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही, एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम मी। मेरे को हर टाइम भूख लगती है, मेरा अभी भी सही में कुछ खाने का मन नहीं हो रहा। हमको फ्लाइट में इतनी बड़ी थाली मिली है, आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना सारा फूड मिलेगा। क्या क्या था उसमें? राजमा, चावल, चिकन, कैरेट का कोई चाट था, डेजर्ट, एक बन, बटर, मैंगो पिकल, हाँ मदर डेयरी का कर्ड और डाल दिया उस पर। 11:20 हो ही चुके हैं, 12 बजे हमारा बोर्डिंग टाइम है। आई थिंक वी आर जस्ट गोना चिल फॉर अ बिट, अगर भूख लगी तो खा लेंगे। ऑल्सो अनदर रीजन कि हम यहाँ पे कुछ नहीं खा रहे इज बिकॉज नेक्स्ट फ्लाइट भी सिंगापुर एयरलाइंस की है, सो आई थिंक हमको नेक्स्ट फ्लाइट में भी वही बड़ी थाली वापस मिलेगी, सो नो पॉइंट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। तो पता है लंदन में बहुत था, बट यहाँ पे कितना एक्सपेंसिव है भाई। ये पता है कितनी है? 800 रुपये की, $9 लिखा हुआ है भाई। ये ले सकते हैं ऑल डे ब्रेकफास्ट रैप, पपाया एंड लाइम। भाई सिर्फ पपीता 1000। व्हाई इज दिस आल्सो एक्सपेंसिव?
आई थिंक मैं तो बस ये लूंगा, तेरे को कुछ चाहिए? ऑलराइट ब्रो, लास्ट फ्लाइट फॉर टुडे, होपफुली इस वाली में नींद आ जाए। So after two flights, we have made it to Hong Kong. ने लैंडिंग नहीं देखी थी ना, सो रहा था ना, प्लेन बिल्कुल ग्राउंड लेवल से बहुत क्लोज था एंड नीचे से पानी दिख रहा था, तो आई वॉज लाइक वाटर लैंडिंग होने वाली है, फिर एकदम से रनवे आ गया। तो हमारा इमिग्रेशन क्लियर हो चुका है, मेरा तो बहुत इजीली हो गया था, इसको रोक के रख लिया था क्योंकि इसने, इफ़ यू डोंट नो, हांगकांग के लिए वीज़ा नहीं चाहिए होता, हांगकांग के लिए सिर्फ प्री अराइवल स्लिप चाहिए होती है अगर तुम 14 दिन से कम के लिए हो। तो इसने उसमें अपने पापा का नेम गलत डाल दिया भाई, जो पासपोर्ट पे डिटेल्स होती है वो के वो छाप देना बस। सो आई डिडंट रियलाइज दिस बट हांगकांग का जो एयरपोर्ट है वो सिटी से बहुत बाहर है, तो ये हांगकांग और यहाँ पर है अभी अपन। सो वी आर गोइंग टू गो थ्रू MTR जो कि यहाँ की मेट्रो है, 59 मिनट्स की जर्नी है, लेट्स सी हाउ गुड देयर मेट्रो इज। हम इतनी देर से ढूंढ रहे हैं हमारा Airbnb, एक काफी वियर्ड बिल्डिंग लग रही है भाई, कॉकरोच मरा पड़ा है भाई, एपोकलिप्स में जा रहे हैं क्या अपन? ये तो नहीं है भाई, ये नहीं है कार्ड, व्हाट डू यू मीन फकिंग कार्ड ब्रो? भाई कितनी गर्मी लग रही है, फाइनली खुला, दिस इज द एंटायर अपार्टमेंट, वॉशरूम है, वॉशरूम के अंदर वॉशिंग मशीन है, शावर है, टीवी है, सोफा है एंड एक बेड है उधर, मेपल सिरप पड़ा है। डैम ब्रो, एंड द थिंग इज दिस इज वन ऑफ द नाइसर अपार्टमेंट्स इन हांगकांग, मैंने कुछ ऐसे देखे हैं जिसमें इस वॉशरूम के साइज की स्पेस है पूरा टोटल। वियतनाम वाला अपन को 2 BHK मिला था, कितने में? 3000 पर नाइट, ये उसका प्रॉब्लम 1/4 है, गैस कर कितने का होगा? 20,000 का भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा ब्रो, हांगकांग इज नो जोक, यहाँ पे हर चीज एक्सपेंसिव है। मैं यहाँ पे ये लाया मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक जो मैं यूजुअली पीता हूँ सिल्वर वाली, ये इंडिया में 100 रुपए की मिलती है, यहाँ पे 20 हांगकांग डॉलर की मिली है, यानी 200 रुपए, एग्जैक्ट डबल, सेम साइज, सेम कैन, बिल्कुल सब एग्जैक्ट सेम। मुंबई के अपार्टमेंट को कॉम्पिटिशन दे रहा है वो भाई, 2 BHK था, कितना बड़ा था वो। एनीवेज, तो अभी हम थोड़ी देर चिल करेंगे भाई, हमारा इस अपार्टमेंट तक पहुंचते पहुंचते 3-4 घंटे लग गए, देयर इज सो मेनी fucking people here, it's pissing me off, like lift ke liye line lagi padi hai bhai, lift ke liye, ek lift mein ghusne ke liye queue lagi padi hai, I can only imagine dinner kitne ka hoga bhai। अभी हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह, इट कुड ईदर बी वेरी अंडरवेलमिंग बिकॉज ऑफ शिट वेदर, और इट कुड बी द बेस्ट फकिंग व्यू दैट वी हैव एवर सीन इन आवर लाइफ। वी आर गोइंग टू विक्टोरिया स्पीक एंड यहाँ पर हमको पर्पसली सुबह या शाम में नहीं जाना था, हमको रात में जाना था। अभी यहाँ पे 9:30 बज रहे हैं, मॉल्स वगैरह तो सब क्लोज होने वाले हैं, बट ये चीज हमको रात में देखनी थी। सो अगर क्लाउड्स आ गए तो व्यू हो सकता है रूइन हो जाए, बट आई एम होपिंग नहीं हो। ओके, सो ये जितनी भी तुम लंबी क्यू देख रहे हो ये व्यू के लिए ही है, व्यू पॉइंट के लिए, लगना है कि इतनी बड़ी लाइन में अब आए हैं। तो भाई क्या किस्मत है, इट हैज स्टार्टेड रेनिंग ऑल ऑफ अ सडन, सो वो जो उधर लाइन लगी हुई थी दैट्स फॉर द टेरेस, उसके लिए पता नहीं लाइन में कितना घंटा लगेगा, 1-2 घंटा, बट यहाँ से भी ढंग का व्यू दिख रहा है। जैसे ही हम व्यू के पास गए भाई एकदम से बारिश चालू हो गई। भाई यार फक यार ऐसा क्यों होता है भाई, 8 किलोमीटर आए हम यहाँ पे, 8 किलोमीटर चल कर आए, मैं नहीं जाने वाला यहाँ हिलाए बिना। भाई हो गई, बंद हो गई, सुन ली, यहाँ पे देखते हैं और भी आ सकता है यार।
दिस लुक्स वेरी स्केची बाय द वे। जानवरों की आवाज क्यों आ रही है? गांड मोड़ फटा तू, चुप हो जा कुत्तों से। मुझे लगा सांप है। हाँ यहाँ से इतना प्यारा व्यू दिख रहा है भाई। Okay, we have just realized कि हम चल चल के काफी आगे आ गए। कोई इंसान नहीं दिख रहा अब हमको। ऊपर से जानवरों की और आवाज आ रही है। We should probably run. I'm glad we came at night. आज का जितना घूमना था घूम लिया, एस्केलेटर्स देख ली, ट्रैम में चले गए, विक्टोरिया पीक देख ली। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। भाई व्हाट द फक इज दिस? ब्रिटिश क्लासिक्स चिकन टिक्का मसाला, ये कब से ब्रिटिश हो गया? भाई कितना चुराओगे तुम लोग हमारे से? पहले हीरा चुरा लिया, अब खाना भी।